हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा बूट लेके आई हूँ। फ्रेंड, 2 से 4 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ ऊपर से स्टार्ट करा है, यहाँ नीचे सोल बनाया है, फिर बाद में तो इस तरह से मैंने इसको डिजाइन दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनेगा ये 2 कलर से बनाऊँगी मैं। तो देखिए, 35 फंदे डाले हैं मैंने इस पे शुरू में। इस तरह से 35 फंदे डालने के बाद 2 धरियां उल्टी उल्टी बनाई हैं। सभी फंदों को हम दोनों साइड से उल्टा बनाएंगे, ये देखिए किस तरह से। और 2 धरियां बनाने के बाद मतलब 4 सिलाइयां लगाएंगे इस तरह से उल्टी उल्टी। फिर हम उल्टी साइड से दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये 4 सिलाइयां मैं लगा लेती हूँ इस तरह से, और 2 धरियां बनने तक। फिर आगे दिखाती हूँ आगे हमने किस तरह से बनाना है ये। अब देखिए फ्रेंड, 2 धरियां बना लिए मैंने इस पे। इसके बाद हम सिर्फ ये जो शुरू वाला लगाएंगे इसमें हम 6 सिलाइयां लगाएंगे, बाकी 4-4 ही लगाएंगे। तो एक उल्टी साइड से लगाएंगे हम, तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी लगाएंगे, फिर एक सीधी, फिर उल्टी। ये 3 सिलाइयां हम इस तरह से उल्टा उल्टा सीधा उल्टा सीधा बना लेंगे। ये वाली उल्टी, आगे वाली सीधी, और उससे आगे वाली उल्टी, फिर सीधी सिलाई पे फिर मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो ये 3 सिलाइयां इस तरह से बना लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, 3 सिलाइयां लगा ली मैंने। अब 17 फंदे हम इस साइड छोड़ेंगे, 17 इस साइड। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो बीच वाला हमारा फंदा है इस पे हम थोड़ा सा यहाँ पे एक निशानी लगा लेते हैं, जो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला फंदा जो है इस तरह से, इस पे हमने यहाँ पे डिजाइन बनाना है। तो ये जो हमारा सेंटर वाला 35वां फंदा है, 17 इस साइड और ये 3 फंदे इस साइड और 3 इस साइड, इन 7 फंदों पे ये डिजाइन बनेगा। अब देखिए किस तरह से बनेगा। तो पहले मैं 17 फंदे प्लेन बना लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए, ये 3 फंदे हम, ये जो हमने निशानी लगाई है यहाँ पे, इस वाले फंदा, ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, 3 इस साइड 3 इस साइड। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम ये हटा लेंगे। अब इस वाले फंदे का देखिए, यहाँ पे नीचे जो हमारा पहला है वहाँ से एक फंदा निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से थोड़ा लंबा खींच लेंगे इसको, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर आगे वाला एक और निकाला, फिर आगे वाला फंदा बनाया, फिर एक और, 3 3 फंदे निकालेंगे इस तरह से। अब सेंटर वाले, ये देखिए ये 3 फंदे हमने बना लिए। अब ये सेंटर वाला फंदा भी हम बना लेंगे, जिस तरह हमने ए बनाया अब एक और बना लेंगे। तो बीच में हमारे 3 फंदे आ गए। अब आगे हम फिर से वैसे ही निकालेंगे 3 बार, 1 1 फंदा बनाया, 2 फिर 1 फंदा बनाया, एक बार फिर निकालेंगे, 3 फिर आगे वाले फंदों को इस तरह से बना लेंगे। फिर मैं उल्टी सिलाई बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे हम उल्टी सिलाई। अब उल्टी सिलाई पे देखिए फ्रेंड, पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, पर जो फंदा हमने नीचे से निकाल रखा है उसको हम वैसे ही उतारेंगे। तो पहले 14 फंदे उल्टे बना लेते हैं,
अब देखिए ये जो हमारा फंदा है इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, इसको बनाएंगे नहीं। फिर आगे वाला बनाया, फिर आगे वाला उतारा, फिर बनाया, फिर उतारा, तीन उतार लिए। अब बीच के तीन हम उल्टे बना देंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे और एक बनाएंगे, एक उतारेंगे, और पूरी सिलाई आगे जो फंदे हमारे इनको उल्टा बना देंगे और सीधी सिलाई पूरी अब सीधी बनेगी। जो फंदा हमने उतार रखा है उसको भी हम सीधा बना देंगे। तो इस एक डिजाइन में हमारे पास 6 फंदे बढ़ गए, जो हमने नीचे से निकाल के बनाए हैं वो बढ़ गए हैं। तो एक एक डिजाइन में हमारे पास 6-6 फंदे बढ़ेंगे। इसी तरह से फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब यही सिलाई हमारी लास्ट है, इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे उल्टी साइड से, पूरी सिलाई उल्टी, और सीधी पे फिर दिखाऊंगी मैं आपको किस तरह से हमने दोबारा डिजाइन डालना है दूसरे वाले कलर से। तो इस तरह से हमें फंदे सीधे बना लेंगे। ये देखिए ये उतारा हुआ फंदा है, तो इसको भी हम इस तरह से बना देंगे। ये बनाया, ये जो उतारा हुआ फंदा है इसको भी बना दिया। इसको सीधा सीधा ही रखना है हमने, यहाँ पलटा नहीं मारना है। देखिए ऐसे आएगा तो यहाँ से सिलाई डाल के इसको इस तरह से बना देंगे। अब इधर देखिए, इधर वाले फंदे में इस तरह से पलटा आएगा, तो ये हम पहले हमने यहाँ से सिलाई डाल के बनाया, अब इधर हम इस साइड से बनाएंगे। ये देखिए इस साइड से, तभी हमारे ये फंदे सीधे सीधे आएंगे और आगे वाले भी फिर हम सीधे बना लेंगे। फिर मैं उल्टी सिलाई दूसरे कलर से बना के फिर सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ आपको आगे। देखिए फ्रेंड, अब हम दूसरा इस वाले से बनाएंगे डिजाइन। तो पहले हमने 14 फंदे बनाए हैं, हम 15, 16, 17 तीन फंदे और बढ़ जाएंगे इसमें, तीन इस साइड, तीन इस साइड, और बीच के फंदों पे हम फिर से डिजाइन बनाएंगे। तो पहले 17 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अगले डिजाइन पे 20, तीन तीन इस तरह से बढ़ते जाएंगे एक एक साइड। ये देखिए पहले वाले हमने 14 फंदे बना लिए, यहाँ दिख जाता है ये। अब तीन फंदे और बना लेंगे हम सीधे। ये देखिए अब फिर से हम वैसे ही, ये देखिए एक दो तीन छोड़ के चौथे नंबर पे इस तरह से सुई डाल के निकालेंगे एक फंदा। एक बनाया, फिर एक निकाला, फिर एक बनाया, फिर एक निकाला, फिर सेंटर के तीन हम इस तरह से सीधे बना देंगे। फिर यहीं से तीन फंदे फिर निकालेंगे, एक एक बनाया, फिर एक और निकाला, एक बनाया, दोनों साइड हम तीन तीन फंदे निकालेंगे। ये देखिए और आगे वाले फिर हम 17 फंदे सीधे बना देंगे और उल्टी सिलाई वैसे मैंने बताई है, जो हमने निकाल रखा है फंदा उसको वैसे ही उतारेंगे और उल्टा उल्टा बना देंगे। इस तरह से फ्रेंड ये देखिए 4-4 सिलाइयों में ये डिजाइन बनेगा। अब उल्टी सिलाई लगाएंगे और सीधी पे सभी फंदों को बनाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच डिजाइन बनाए मैंने। और पांच डिजाइन बनाने के बाद फिर हमने ये सोल बनाया है, तो ये मैं बाद में बताती हूँ आपको। यहाँ तक आप बना लीजिए इसको, यहाँ तक हमारे पास ये 65 फंदे हो जाएंगे यहाँ तक। तो ये बना लीजिए, इसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धारियाँ फिर हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो इतना बना लीजिए आप। वैसे ही अगला डिजाइन बनाएंगे, फिर चौथे नंबर पे हमने सुई डाल के वैसे ही फंदे निकालने हैं। ये देखिए इस तरह से, और फिर बहुत ही सुंदर बन के आता है ये। तो इतना बना लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 1, 2, 3, 4, 5 डिजाइन बना लिए मैंने। अब इसी कलर से हम 8 धारियाँ, देखिए
पहली धारी बनना स्टार्ट होगी। ये दोनों साइड से मैंने उल्टा उल्टा बनाया है, 65 फंदे हो गए। तो 8 धारियां हम इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे, और फिर 8 धारियां बनाने के बाद फिर मैं आपको बंद करना और सिलना बताऊंगी। अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है इसमें। 3 बार हमने ऑरेंज कलर लगाया, 2 बार हमने ये ब्लू कलर लगाया डिजाइन में। इसके बाद फिर हम अब 8 धारियां उल्टी उल्टी बना लेंगे, और 8 धारियां बनाने के बाद दिखाती हूँ फिर मैं आगे आपको। अब देखिए फ्रेंड, ये यहाँ तक बना लिया मैंने 8 धारियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उल्टी साइड से फिर इसको बंद कर दिया। अब मैं आपको सिलना बताऊंगी। ये सीधी साइड है इसकी, तो ये हम अंदर की साइड करेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे इसको नीचे तक। पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे इसको इस तरह से। तो देखिए कलर से कलर मिलाएंगे फ्रेंड, इसका ध्यान रखना है इस तरह से, नहीं तो आगे पीछे आएंगे फिर पीछे से अच्छा नहीं लगेगा वो आगे पीछे आएंगे तो। अब यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, इतना छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ से आगे फ्रेंड हम गुलाई में सिलेंगे इसको, यहाँ पे गुलाई देंगे सिंगल सिंगल। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और सिंगल धागे से सिलेंगे यहाँ को, एक साइड से लेके जाएंगे दूसरी साइड तक। और यहाँ पे अच्छे से टाइट कर देंगे इसको ताकि ये थोड़ा सा गोल आ जाए यहाँ से। और यहाँ से फिर धागा कट करके फिर मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसको किस तरह से बन के आया है फिर सीधी साइड से ये। अब देखिए फ्रेंड, सीधा करेंगे हम इसको। तो ये देखिए इस तरह से बन के आया है, बहुत ही सुंदर बन के आता है फ्रेंड। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर सॉक्स बनती है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।